मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरी इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है आइए हम अपनी और ब्रह्मांड की जादुई शक्तियों से खुद की मनपसंद जिंदगी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने की कला सीखें में आपका स्वागत है। ये जो है वीडियो, इसकी सेकेंड वीडियो है और ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। इससे पहले के दो पार्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है। अगर आप पहले के दो पार्ट देखना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो चेक कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश में चेक करना चाहते हैं तो उसके चार पार्ट्स हैं, वो भी वीडियो ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब थर्ड पार्ट में मैं बाकी के बचे पार्ट बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर। पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और सेकेंड वीडियो जिसमें मैं बता रही हूँ कि इस कला को सीखने से मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मतलब पहले लाइफ कैसी थी विजरी अब कैसे हो रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको सीखने से पहले ना ही मुझे कुछ इस बारे में अवेयरनेस थी कि थॉट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी इस बारे में पता नहीं था। फीलिंग्स और इमोशंस, थॉट्स, यू नो, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, कोई नॉलेज नहीं थी इनके बारे में। जस्ट लाइक दैट जो भी इमोशन आता था एक्सप्रेस कर देती थी, ऑटो पायलट में थी, मतलब जो चलता था, जो फीलिंग आया उस टाइम में वैसे ही चल दिया, कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में। तो क्योंकि तब इस बारे में पता ही नहीं था, तो जैसे लाइफ क्रिएट होती थी वैसे ही क्रिएट होती थी, जैसे करनी आती थी। भगवान की वजह से बहुत अच्छे बिलीफ सिस्टम थे और एनवायरनमेंट मैंने बहुत अच्छे क्रिएट करे, जिसकी वजह से यू नो आई अप्रिशिएट माइसेल्फ ऑल्सो फॉर दैट। मैं खुद को भी अप्रिशिएट करती हूँ उसके लिए कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी भी थी पहले की भी, लेकिन अब और भी ब्यूटीफुल हो रही है क्योंकि अवेयरनेस के साथ अब जब आप जिंदगी जीना शुरू करते हो तो उसका मजा ही अलग होता है। और पहले ये था कि पहले अपने आप से यू नो एक उस पर चलते चले जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ले सकते हो आप कि अगर कोई खिलौना लेते हैं हम, उसका हमारे पास यू नो कोई हमारे पास वो नहीं है, उसका उस कैसे चलाते हैं उसका मैनुअल नहीं है हमारे पास, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि ओके इसको ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, और हम उसको बस सिंपली चला देते हैं जैसे हमारे बस में आता है और वो चलता चला जाता है। तो जितना हम कर सकते हैं करते हैं, लेकिन वो पार्ट जो हमें उसके बारे में पता ही नहीं है उनको हम ऑपरेट नहीं कर पाते, बिकॉज हमने वो मैनुअल को ऑपरेट नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता अच्छे से और उसके थ्रू हमने नहीं किया होता। तो जितना हमें नॉर्मल आता है हम उतना करते हैं, तो वैसे वाला डिफरेंस है। लेकिन आप इसको सीखने के बाद पूरी पूरी अवेयरनेस है मुझे कि थॉट्स और यू नो इमोशंस, फीलिंग्स की कितनी इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज, और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का अपने लाइफ में। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। पहले में मुझे जब इस चीज़ के बारे में ही नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि पहले में तो इस चीज़ के बारे में ही नहीं पता था कि इमोशंस जो हैं इतनी, हमारे जो खुद के फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, भावनाएं जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो इस बारे में तो जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो तो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, उसके बारे में तो बिल्कुल भी पता होना पॉसिबल ही नहीं था। इट्स लाइक कि जब हम ये प्रोसेस सीख लेते हैं और सीख रहे होते हैं, जैसे मैं अभी सीख भी रही हूँ, कुछ सीख भी चुकी हूँ, तो होता क्या है कि आपको पहले से ही पता चलने लग जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है, प्रेडिक्शंस जिसे कहते हैं ना, भविष्यवाणी। तो आपको पता चलने लग जाता है कि अब आगे आप
कैसे सही डायरेक्शन में हो या गलत डायरेक्शन में हो। तो बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपको समझ में आता है कि आप गलत डायरेक्शन में हो, तो आपको तरीका भी पता है कि आपको उसको सही कैसे करना है, तो आप फटाफट ठीक भी कर सकते हो। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ है इसकी कि हम खुद के हमारे हाथ में हो जाता है। लाइक पहले हम सोचते हैं डेस्टिनी क्रिएट कर रही है, जो मेरे मार्के में लिखा है मुझे वही मिलेगा, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि आप इंग्लिश में इसको कहते हैं डेलिब्रेट क्रिएटर, मतलब अपनी मर्जी से हम खुद चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि मुझे क्या प्रोडिक्शंस दिख रहे हैं, क्या भविष्यवाणी बन रही है आगे की। वो चीज़ सीखी मैंने और उसके थ्रू अब मैं ऑपरेट करती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कहाँ गलत जा रही हूँ। तो जब आपको गलती पता चल जाती है तो आप उसको सही भी कर लेते हो, लेकिन जब कुछ पता ही नहीं होता तो क्या गलत और क्या सही है। तो पहले वैसा था, इसमें कुछ पता ही नहीं था और जस्ट लाइक दैट चलते चले जा रहे थे। बहुत कुछ अच्छा भी क्रिएट करती थी और बहुत कुछ बुरा भी क्रिएट करती थी, लेकिन अब अवेयरनेस है तो अब पहले पहले इतनी अच्छी ग्रिप नहीं थी क्योंकि वैल्यूज चेंज थी। तो अब चेंज करके अब उनको प्रैक्टिस में ला रही हूँ, तो ग्रेजुअली अच्छी होती जा रही हूँ और भी ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन तो मैंने आपसे शेयर किया है कि मेरे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों की हेल्प से आगे बढ़ना बहुत आसान हो रहा है। आगे पढ़ते रहते हैं। आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सेकंड सीरीज में मैंने बताया है कि जैसे पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे तो उसमें कोई भी हमारा चैलेंज हो तो उसको हम लोगों से डिस्कस करके इधर बात करी उधर बात करी, और उसको सॉल्व करने का तरीका एक अलग तरीका था, क्योंकि इससे बात करी, इसको अपना दुख बताया, उसको अपना दुख बताया। जो वैल्यूज जो सोसाइटी से सीखा वो चीज़ ये थी कि ओके, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शेयर करो और उसके बारे में डिस्कस करो और प्रॉब्लम सॉल्व होती है वैसे करके, या अगर कोई दुख है तो सबके साथ आपने बात कर लिया। जिस तरह हम एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दुख शेयर करते हैं तो हल्का होता है मन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, चैलेंजेस को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट जो हम वर्ड्स बोलते हैं, लाइक अभी मैं प्रॉब्लम बोल रही हूँ, प्रॉब्लम जो है वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें चैलेंजेस हम बोलते हैं, अंदर इज द रीजन बिहाइंड दैट फीलिंग कैसी आती है चैलेंजेस से, फिर भी अच्छी फीलिंग आती है कि ओके, देयर इज समथिंग, मतलब कोई गंदी फीलिंग नहीं आती। प्रॉब्लम बड़ा हैवी हैवी लगता है, तो क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे जाके बताऊंगी आपको जब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बोल के करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। जो वे है मैं वो स्पिरिचुअल फॉलो करती हूँ, उससे चीजें अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम जिस किसी से भी मिलते हैं तो अगर किसी से कंफ्लिक्ट है तो किसी के लिए मन में बुरा भी आ जाता है बहुत बारी। जैसे पहले तो ऐसे होता ही था कि ओके, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही किसी के लिए, भाई उसका पॉइंट और हमारा पॉइंट डिफरेंट है, और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हमारे साथ कुछ ऐसे किया जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कई बार हम गंदा भी सोच लेते हैं लोगों के लिए कि ओके, उसने ऐसे क्यों किया और भाई ऐसा एंड वैसा, ठीक है, हम उनके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद पता चला कि हर किसी को भगवान की आंखों और फीलिंग के साथ कैसे देख पाते हैं, और एट द सेम टाइम अब हमारे मन में ये कुछ ना आ सकता कि अगर भगवान के पॉइंट से देखेंगे तो सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उस मामले में तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो अगला पॉइंट ये सीखा कि कैसे हमें जो हम दूसरे को देख रहे हैं उसको हम भगवान की दृष्टि से देखें, यानी कि हमारे मन हर किसी के लिए प्यार हो। छह दूसरा बंदर का बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन उस मामले में भी हम अपने आप को कैसे सेव करके चले,
जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो, मतलब जो जैसा है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे बिना कुछ सोचे कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद भी सेफ रहोगे। तो ये तरीके मैंने सीखे जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, क्या है वो भी मैं आगे शेयर करूँगी। पहले क्या होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर बहुत बार ऐसे होता था कि अगर कोई चीज़ यूजफुल नहीं लग रही है तो आप उसको या तो फेंक दोगे या किसी और चीज़ को दे दोगे, ऐसे कुछ करोगे आप, ठीक है, मतलब वेस्ट करके आप उसको फेंक सकते हो। बट इस प्रोसेस की हेल्प के थ्रू मैंने सीखा कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और क्या रोल है उसका हमारी लाइफ में और क्या बेनिफिट होता है उससे। तो क्या है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म, कैसे होता है और सब इससे जो भी रिलेटेड है, जब इसकी वीडियो आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगी विद एग्जांपल्स। पहले अवेयरनेस नहीं थी लाइफ में, बहुत बारी लॉस्ट भी हो जाती थी, कहीं से कहीं जा रहे हैं तो रास्ता जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ से यहाँ का रास्ता कहाँ चला गया और आप कहीं खोए होते हो और आप एकदम से सेंस में आते हो और आपको पता ही नहीं होता आप क्या सोच रहे हो। ऐसे से था, बहुत बिजी बिजी लाइफ जी है मैंने, लेकिन अब मैं पसंद करती हूँ और इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा है कि लाइफ फुल ऑफ अवेयरनेस और माइंडफुल लाइफ कैसे जीनी है और कॉन्शियस लाइफ कैसे जीते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं। स्लो लाइफ अच्छी लगती है मुझे आजकल, जिसमें हर चीज़ को यू नो एक एक चीज़ की छोटी छोटी मोमेंट को देखना, उसको फील करना, उसके साथ जितना टाइम ले रहे हैं वो पूरी तरह से उसको देना, उसकी छोटी छोटी मोमेंट्स को कैप्चर करके फील करके यू नो मतलब हर पल में एक जो ब्यूटी है वो देखना अच्छा लगता है और वैसे ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। अभी भी वो मैं सीख रही हूँ, उसके प्रोसेस में हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि क्योंकि वो लाइफ और इस लाइफ को भी मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ तो उस फेस में नहीं हूँ, बट अभी पूरी तरह से इसमें जाने में उसके बीच के रास्ते में हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता भी है कि लॉस्ट हो जाती हूँ, बदन आए आप मुझे ऐसी अवेयरनेस आ गई कि ओके मुझे पता चल जाता है कि ओके खो रहे हो और मैं अपने आप को वापस ले आती हूँ। और जैसे भी वापस जाती हूँ, जिस टाइम वापस जाती हूँ उस टाइम मैं अपने आप को कुछ नेगेटिव नहीं कहती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि इट्स ओके, मैंने एक बिगिनिंग की है और मैं आगे चल कर आ रही हूँ और इतना चली और उसके बाद ये सीख रही हूँ तो वो पल भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर इतने पल में ये सब सीखने से मुझे इतना बड़ा रिजल्ट मिल रहा है जिसमें मैं इतने सुपर फास्ट यू नो मैं चीज़ें जो चाहती हूँ मेरे पास आ जाती हैं एक सुपर फास्ट स्पीड में, तो जब मैं वो स्टेज ले लूँगी तो कैसा होगा, है ना। बट इतना करने से ही मतलब मैनिफेस्टेशन तो साइड में हट जाता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लग जाता है, मतलब हर एक चीज़ को यू नो खुश होकर फील करके जीना। जैसे जैसे वो एड्स करी आते हैं ना, क्योंकि कैटरीना का कैफ माजा की अगर ऐड करती है तो कैसे वो मैंगो खा रही होती है, उसका एक एक मोमेंट हम सब कितने खुश होकर देखते हैं, तो जैसे वो मोमेंट होता है वो खुद में जीना, एक एक चीज़ को उसका टेस्ट अंदर तक फील करना, खाना अगर आप पेट के साथ हो तो उसके साथ खेलना, उसका टच फील करना, उसको हग करते हुए फील करना, ठीक है, या बेड पे सो रहे हो तो उसकी वार्म्थ को फील करना, मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो तो वो फीलिंग यू नो कि कितने प्यार से इन्होंने बड़ा किया है, या फिर जैसे अगर मेरे फादर के साथ इंटरेक्शन हो तो उनके साथ जब मैं कुछ सुनाती हूँ तो वो कैसे खुश होते हैं, या फिर मैं उनकी कुछ सुनती हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है, वो सब यू नो विद हार्ट फीलिंग्स, बहुत प्यारी प्यारी फीलिंग्स। या जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो कैसी फीलिंग, कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग आती है कि जब
आपके पास ट्रू फ्रेंड्स होते हैं और आप उनके साथ सब कुछ यू नो इजिली शेयर कर सकते हो और वो आपको हेल्प करने करते हैं वो बनने में जो आप बनना चाहते हो। तो इतने ब्यूटीफुल ट्रेजर्स होना क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखती है आप मेरे लिए। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ों में कहूँ तो पहले क्वांटिटी में ज़्यादा ध्यान था, अब क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान है। और अच्छा लगता है एक एक चीज़ को कैप्चर करके उसको फील करना, अंदर तक फील करना, और इसका बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट सब कुछ यही है अगर कहूँ तो। कैसे आगे जानेंगे। पहले टफ चीज़ों को फेस करते टाइम इतने अच्छे से फेस करना नहीं आता था। ऐसे होता था कि कोई चीज़ अगर ऐसे लगा कि ओके ठीक नहीं है, कोई भी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन है जो कि है जिसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर फर्स्ट सोचा तो सोचते चले गए, यू नो थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव थॉट्स में चला जाता था और फियर आ जाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उस पर वर्क करना आ गया तो अब इट्स लाइक यू नो जब भी कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है तो आई नो कि इसको फन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले वो एक डिफिकल्ट मोमेंट होता था जिसको मैं फेस ही नहीं करना चाहती थी, और अब मुझे एक्साइटमेंट रहती है कि ओके यू नो अगर कुछ ऐसा आ भी गया तो अब मैं इसमें ये वाला ऑप्शन ट्राई करूँगी और देखें क्या रिजल्ट आता है। तो इट्स लाइक यू नो चैलेंजेस भी अब मतलब अ काइंड ऑफ फन बन गए हैं, मज़ा लेने का सोर्स बन गया है। तो बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ से सॉल्व नहीं हो तो नहीं होगा, दूसरी चीज़ से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हो भी जाता है। और जब होती हैं चीज़ें और आप ऐसे मुंह खुला खुला रख के और देख के हैरान रहते हो, बहुत बहुत मज़ा आता है। ऐसे सॉल्व है जो मैंने सीखा, यही सीखा कि वर्क लाइफ जो होती है उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो मेरी पहले की थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि काम में हार्ड वर्क होता है, फन अलग है, कुछ टाइम के लिए फन ठीक है, पर जब काम काम करो तो काम ही करो, फन का उसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको काम करना है। लेकिन इसके थ्रू मैंने सीखा कि कैसे हम अपने डिवाइन टैलेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्या है हमारा डिवाइन टैलेंट और कैसे आपका हर पल फन में कन्वर्ट हो सकता है, यू नो आपकी पूरी लाइफ फन में कन्वर्ट हो सकती है और कैसे आपको कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रह सकती है। तो ये प्रोसेस इस टाइम में मैं सीख रही हूँ, विच मीन्स थ्योरेटिकली आई नो और प्रैक्टिकली मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आगे चलेंगे तो सब कुछ आपको बताती जाऊँगी धीरे धीरे करके। ये एक इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है, ये चीज़ मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छी हो गई है। लाइक मेरा ये नेचर है कि मुझे ना नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में मास्टर हूँ उन चीज़ों में, बट मुझे क्रिएट करना बहुत पसंद है, मज़ा आता है, यू नो काइंड ऑफ बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। तो कभी ये ट्राई करना और वो ट्राई करना, मकसद ये नहीं है कि कितनी सक्सेस मिलती है, मकसद ये है कि क्रिएशन करना आता है कि ओके प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है और कभी भी चाहे तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक अपने में एक गजब का कॉन्फिडेंस लेके जाता है कि यस यू नो मज़ा आ गया, ये भी चीज़ सीखने को मिली। तो इसके थ्रू लाइफ में फन ऐड हो रहा है, जिसमें कि फन के साथ साथ दिमाग तेज हो रहा है, हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है और डायरेक्शन जो है दिमाग का और सोच का सही रास्ते में जाने में हेल्प मिलती है। तो ये एक अलग और एक चेंज है जो कि इस प्रोसेस का ही पार्ट है। और जब प्रोसेस का पार्ट और हॉबी दोनों कंबाइन हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ होता ही नहीं है।
क्योंकि जिस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मुझे सीखने को भी मिल रही है और मैं खुद भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो बहुत मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है। आने आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में शेयर करूँगी जो मैं कर रही हूँ, और ये भी शेयर करूँगी कि ये इस प्रोसेस में क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितनी बड़ा इसका रोल प्ले है, मतलब इतना क्रूशियल पॉइंट है ये कि नई नई चीज़ें सीखना और उससे क्या बेनिफिट होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आ जाए तो वारे नहीं आ रहे, आ क्या जाए, मतलब आता तो है ही, अपनी खुद की चॉइस है कि आप ले लेते हो उसको तो बहुत मज़ा आने लग जाता है। और तो एक एडिशनल पॉइंट है जो कि और मेरी लाइफ में आ रहा है, पहले भी था लेकिन अब और भी ज़्यादा हो गया। अब अच्छा लगता है टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ सफिशिएंट होना और फुली इंडिपेंडेंट होना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी किसी से कोई हेल्प लेती नहीं या फिर कभी मांगती नहीं, बट ऑन द होल मुझे खुद से चीज़ें सीखना, करना, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा लगता है। और इसका भी इस प्रोसेस में एक पॉइंट है जो कि बहुत ही अगेन क्रूशियल है, आपको भी सारे क्रूशियल हैं बट हैं, कैसे वो आगे हम सीखते जाएंगे। तो अच्छा लगता है ना कि आप अपने आप में ही आत्मनिर्भर हो और आप दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन बन सकते हो उससे, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपका पार्टनर हो या आपके यू नो कोई भी जो भी जिसके साथ फ्रेंड हो, सबकी लाइफ में हम या तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और नहीं तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। एट द सेम टाइम जब आपको सारे काम आते हैं और आप खुद से करना पसंद करते हो, सारे काम आना ज़रूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट हैंडल करना कैसे आना चाहिए और जो कुछ आपको सीखना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है दूसरे बंदे को चिंता खत्म हो जाती है कि येस। और एट द सेम टाइम अगर कोई वही चीज़ आपका दूसरा फ्रेंड या वो चीज़ आपके लिए करता है तो आपको पता है कि ओके इस चीज़ में इतना काम लगता है और जब आपने खुद किया था तो कितना लगा था, तो उस केस में आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, आपके मन में उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सो यू फील थैंकफुल। कंपैरेटिवली अगर वो चीज़ आपने कभी की नहीं है तो आप दूसरे को कई बार हम लोग हल्का ले लेते हैं, सो ऐसा पॉइंट नहीं आता। तो हर तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आई मीन अगर कोई है तो भी उसको आप यू नो एक ब्यूटिफुली उस चीज़ को एक वो दे सकते हो कि ओके हम दोनों ने मिलकर किया जिससे काम भी ईजी हो गया, अब हम फन कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो भी आप इंडिपेंडेंट हो, आप चिंता की कोई बात ही नहीं है, तो ना ही कोई पेरेंट्स को चिंता होगी, ना आपके पार्टनर को चिंता होगी और ना ही आपके फ्रेंड को चिंता होगी कि ओके मैं नहीं हूँ तो वो मैनेज कैसे करेगी एट दिस नॉट दे नो कि यू नो शी कैन हैंडल इट ईजीली। तो ऐसे में जब हम नीडी नहीं होते हैं तो अपने आप हमें हेल्प हर जगह से वैसे ही मिलती है और वैसे भी हम लोगों की लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इस प्रोसेस को सीखने से क्या हो रहा है कि लाइफ में ब्यूटी ऐड हो रही है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखते हो, आपको हम लोग ध्यान रखते हैं क्योंकि यू नो वो चीज़ करनी है जिससे कि अच्छा फील हो, दूसरे को भी वो चीज़ आप ऐसे करा सकते हो जिसमें कि उनको अच्छा फील हो और खुद भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपना स्टैंडर्ड भी कैसे मेंटेन करते हो जिनको आपको चीज़ों को यू नो आप चाहते हो कि किसी उस मतलब किसी वजह से कोई आपको कोई मिसयूज ना हो, और कैसे आप ऐसे काम करो जिसमें आप अच्छा भी फील करो और आप अपनी बात भी कह दो, वो सब चीज़ें इसके अंदर मैं सीख रही हूँ। क्या है इसके अंदर हमेशा बात को अच्छे से कहना ही आता है या फिर हम सारी चीज़ें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये भी सीख रही हूँ। पहले बहुत बार ऐसे होता था कि
बहुत सारी चीजें कुछ जो नहीं भी पसंद होती थी वो भी कई कई बार ऐसे सोचती कि ओके किसी को बुरा ना लगे, कई बार हाँ कर देता है बंदा, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिकॉज अब पता है कि बहुत बड़ा रोल है, तो जहाँ नो कहना होता है वहाँ नो ही कहा जाता है, कहने का यू नो मतलब ये एक अनदर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैं जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर आप बहुत अच्छे से हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी पता है, जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, ग्रैटिट्यूड और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इजीली लेके चलते हैं, लेकिन असल में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्या कैसे सिंगल सिंगल पॉइंट जब भी इसकी टर्न आएगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू। आगे चलते हैं। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम थे मेरे जो कि मुझे नहीं पता थे, जब सेल्फ अवेयर होना शुरू हुई तो पता चला कि ओके क्या क्या है सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जिन पर मुझे वर्क करना है और उन पर मैं वर्क कर रही हूँ। और जैसे हम वर्क कर लेते हैं तो एनर्जी खुल जाती है, क्या बेनिफिट होता है, कैसे करते हैं, सब कुछ आगे शेयर करती जाऊँगी ग्रेजुअली। मतलब ये मुझे बेनिफिट भी हो रहा है, पहले मैं खुद पे काम करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई यू नो एक्सप्लोर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको अपने भी खुद की अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ और फिर मैं आपको आपके साथ भी शेयर करती हूँ प्रोसेस को। तो ये है मतलब मैं ऐसे फॉलो करती हूँ अभी तक, मतलब मैं ये प्रोसेस लेके चल रही हूँ बिकॉज मुझे इसमें मज़ा आ रहा है और देखते हैं आगे कैसे कैसे करते हैं, बट अभी मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारा कुछ है। पहले जब भी पहले ये था कि ओके जैसे जैसे चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कर रहे थे, सोल पाथ की कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल पाथ की अवेयरनेस है मुझे, और बेस्ट बात यह है इस प्रोसेस के थ्रू मैं अपना सोल पाथ यू नो बहुत फन के साथ फॉलो कर पा रही हूँ और उसमें ब्यूटी एडेड है और हर पल में यू नो हम फन और ब्यूटी ऐड कर सकते हैं जो कि मैं ग्रेजुअली कर रही हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि ओके मैं अपना ट्रैक लूज करती हूँ मदन से मैं अपने खुद वाले से रिमाइंड कराती हूँ कि येस यू नो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रोसेस, ऐसे हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं और क्या इससे रिजल्ट आता है अच्छा सा वो भी मुझे देखने को मिल जाता है। तो लाइफ काइंड ऑफ फन हो गई है बिकॉज ऑफ लर्निंग दिस प्रोसेस, और नो मैटर कैसी भी सिचुएशन हो फन में टर्न हो जाती है फन में, और हर चीज़ जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए मुसीबत है वो हमें इतना ब्यूटीफुली पे करती है और वही हमारा हमारे लिए एक लेटर बन जाती है सक्सेस की। वो कैसे ये सीख रही हूँ और शेयर करूँगी आपके साथ जो भी जाना आएगा। सीख रही हूँ कि कैसे कभी भी किसी भी चीज़ को आप कमी फील ना करो और कैसे लाइफ के हर एरिया में हमें समृद्धि ही समृद्धि मिले, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, कोई भी एरिया क्यों ना हो, हर जगह पे हमें अबंडेंस देखने को मिले। ये मैं सीख रही हूँ इस प्रोसेस के थ्रू। पहले के कॉन्सेप्ट में ऐसा था, मैंने ये सीखा था जो मुझे पता था कि जो अगर आपके कर्म है तो आपको निभाने ही पड़ेंगे, बट अब मैंने सीखा है कि कैसे यू नो अगर आपको फिनिश करना है वो भी फंकी वे में, फंकी मतलब फन इन्वॉल्व करके, तो कैसे आप अपने कर्मों पे वर्क कर सकते हो और बहुत क्विकली उससे निकल सकते हो
ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबा टाइम स्पेंड करना है. तो इनफैक्ट जो तरीका है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी वो प्रोसेस से आप बाहर निकल सकते हो. और जितना टाइम भी हम रहें वो भी टाइम फन में कन्वर्ट हो जाता है. वो कैसे, वो मैं इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा है, वही चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. जब टाइम आएगा, जैसे ही वीडियो रिलीज होगी, तो आप इसे शेयर करूँगी. पहले तो लगता था कि ओके, यू नो, अगर करियर फॉलो करना है तो हार्डवर्क लगता था बहुत ज़्यादा. आप मैंने इस प्रोसेस के थ्रू सीखा कि एफर्टलेस डिवाइन करियर कौन सा है, सुटेबल, और कैसे पता चलता है कि वो हमारा डिवाइन करियर है, और कैसे वो एफर्टलेसली हमारे लिए सारी चीज़ें लेके आता है हमारी लाइफ में. तो ये एक और चीज़ है जो कि मैं सीख रही हूँ. क्या है मेरे एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँगी. ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि हम यूनिवर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे करना है जिससे कि यू नो हमारी जो चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम इजीली क्रिएट कर पाएँ, इंस्टेड कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि वो चीज़ें वैसी ना हो जैसे हम चाहते हैं. तो क्या तरीका है, सही तरीका है यूनिवर्स से इंटरैक्ट करने का, क्या लैंग्वेज है, वो सीख रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर रही. पहले बहुत पढ़ा था चॉइसेस के बारे में, बट सही मीनिंग क्या है चॉइसेस का नहीं पता था. आप पता चला है कि इन रियलिटी है ना चॉइसेस क्या मायने रखती हैं एक्सप्लोर करने के साथ में. मैंने करना नहीं, कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि चॉइसेस मैं गलत भी कर सकती हूँ और कैसे होती हैं. बट जब मैंने एक्सप्लोर कर रही थी मैं अपनी चीज़ों को, तो मुझे सीखने को और मिला कि रियलिटी में चॉइस का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, कैसे हमारे को इम्पैक्ट करता है, अगर हमें क्या करना है, हमें चॉइस गलत हो जाती है, क्या वो हमें गंदा फील करना चाहिए, कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए जिससे कि वो इजीली हो जाए, फन वे में हो जाए, क्या चॉइसेस राइट हैं, और क्या हम हमेशा राइट चॉइसेस लेते हैं, अगर हम रॉन्ग लेते हैं तो क्या हम गलत हैं. ये सब चीज़ें मैंने सीखी इस प्रोसेस के थ्रू. तो जब भी इसका वीडियो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा. इमोशनल बैगेज क्या है, मुझे इसके बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं थी. इनफैक्ट मुझे वर्ड से कोई लेना देना नहीं था. बट क्या है ये, क्या है इसकी रेलिवेंस, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इमोशनली भर जाना, यू नो, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि ये ना हो, और प्रोसेस क्या है, सब कुछ इसके बारे में सीखा मैंने इस प्रोसेस के थ्रू. तो अगेन जब इसकी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी. मतलब इंक्लूडिंग कि इमोशनल बैगेज हो क्यों जाता है, क्या इम्पैक्ट होता है अगर हो भी गया तो, और इसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से क्या लेना देना है. मतलब जो हमारी जादुई कला है कि हम जिससे अपनी हम ड्रीम लाइफ को क्रिएट करते हैं, उसका इसका क्या लेना देना है. और मेरा आंसर है कि बहुत बड़ा लेना देना है. क्या है वीडियो तब शेयर करूँगी, तब शेयर करूँगी आपके साथ.
थॉट्स के केस में बहुत डेप्थ में जा चुकी हूँ मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि लर्निंग का कोई एंड नहीं है, और मेरे से आगे जो है वो भी इससे और कुछ अच्छा सीख चुके होंगे। लेकिन अगर मैं अपना सोचूँ तो इस समय मैं थॉट्स में बहुत डीपली एक्सप्लोर करके देख चुकी हूँ अपने खुद की चीज़ों को, और उसको फॉलो कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि क्या सोच आ रही है, कैसा फील कर रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू कुछ सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, माइंडफुलनेस लाइफ जीने को अच्छा लगता है मुझे, और कॉन्शियसली चीज़ें कर रही हूँ। पहले था कि किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता था, अब कॉन्शियस क्रिएशन में मुझे मज़ा आता है। तो हालांकि क्योंकि पहले जो मैंने जो भी चीज़ अब तक था मेरे पास वो सब कुछ बाहर है तो उसको संभाल रही हूँ, बहुत बार लूज़ कर जाता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही ये और साफ साफ होता जाएगा तो तब मैं इस चीज़ को और भी अच्छे से फॉलो कर सकूँगी। लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं जहाँ तक होता है, जैसे अगर मैं कभी लूज़ भी कर देती हूँ अपना फोकस, तो मैं अपने आप को वापस ले पाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मैंने लूज़ कर लिया, और ग्रेजुअली मैं अपने आप को ले आती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस। इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे ही नहीं हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं सराउंडिंग से, मतलब जिस सर्कल में हम रहते हैं उससे, सराउंडिंग से, यहाँ तक कि जो एंटिटीज एयर में हैं उससे। एंटिटीज मतलब सब कुछ है, लेकिन हमें तभी पता चलता है कि क्या क्या है जब हम उनके लेवल पे आ जाते हैं, या फिर इंटरैक्ट हम तब कर पाते हैं, मतलब तब आपको चीजें नजर आने लग जाती हैं। इट्स लाइक कि कोई भी चीज तब तक रियलिटी नहीं है जब तक आप उसको नोटिस ना करो, लेकिन जैसे आपने उसको नोटिस किया वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या नोटिस करते हैं, तो हमें किसको रियलिटी बनाना है। तो जिसको रियलिटी बनाना है उसको हम अगर नोटिस करना शुरू करते हैं तो चीज़ सामने आना शुरू हो जाती है। अभी नहीं पर डेप्थ वाला कॉन्सेप्टेशन अभी बताना, मुझे नहीं पता कि आपको कितना उस चीज़ में समझ में आएगा, क्योंकि मुझे टाइम लगा, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। लेकिन हो सकता है अगर आपको नॉलेज है इस बारे में तो बहुत ही अच्छा, और आपको समझ में आता है तो और भी अच्छा, तो मुझे समझाने में और आसानी हो जाएगी। तो इस लाइक सब कुछ है एयर के अंदर, सारी वाइब्रेशंस है, सारी थॉट्स हैं, और डेफिनेटली उनके पास भी पास होते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे, आई मीन अगेन, जब उनके पास पावर्स हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, आप अपने वर्ल्ड पे वर्क कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल जो कि शायद आप जिससे रिलेट कर पाओगे अगर मैं बोलूँ तो, एक होता है कि वो चीज़ जो कि आपको पता ही नहीं है कि है बट वो है, और एक होता है कि जो चीज़ आपको पता है और उससे आप रिलेट कर पाओगे, मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एड्स देखते हैं तो हमें लगता है सिर्फ एक ऐड ही है, बट वो कितना ज़्यादा हमारी सोच को इम्पैक्ट कर देती है और कितना उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उससे कैसे हमारी लाइफ चेंज होती है और कैसे हमारा ये प्रोसेस है जो जिसे हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ऑन द होल कहने का मतलब है सोच सिर्फ हमारी खुद की नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिनकी सोच होती है, और अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं अपना तो हम उनकी सोच को अपनी सोच मान लेते हैं, और फिर उस केस में जो है आपका प्रोसेस है वो अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या ले रहे हो। तो अगर हम खुद से अवेयर हैं तो हम अच्छी सोच को ले सकते हैं, अच्छी सोच को चूज कर सकते हैं, और अच्छी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। ये सीखा मैंने इस प्रोसेस के थ्रू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स।
लाइफ को जीने के अंदर बाउंड्रीज को यू नो सेट करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अब क्या है ये बाउंड्रीज और कैसे सेट करते हैं इसको, ये सब मुझे पहले नहीं आता था, बड़ा बात है. तो ये भी आप पूरी डिटेल बताऊंगी जब इसकी टर्न आएगी. ये भी सीखा कि ये इस बारे में अगेन पहले नहीं पता था कि खुद के माइंड के हमारे पावर्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपने फेवर में लेकर अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उन्हीं चीज़ों के थ्रू हम अपने अगेंस्ट चले जाते हैं और वो लाइफ क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए. तो ये भी मैंने अभी सीखा इस प्रोसेस के बाद और सीख भी रही हूँ, इससे पहले नहीं आता. लेबल का क्या रोल है, परसेप्शंस का क्या रोल है, व्हाट इज मेंट बाय लेबल परसेप्शन. लेबल होता है जैसे हम किसी को भी कोई चीज कह देते हैं, ओके, कि कुछ भी कह देना कि आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, या एक चीज के बेसिस पे परसेप्शन बना लेना कि आप ऐसे हो. तो इसका क्या रोल है और कैसे यू नो इससे हमारी मतलब ये प्रोसेस कैसे रिलेटेड है, ये सीखा मैंने. पहले नहीं मालूम था, तो डेफिनेटली अब जब इंटरेक्शन होता है किसी से तो जो पहले की हैबिट्स हैं बहुत बड़ी आ जाती हैं, बड़ा गेन याद आ जाता है कि ओके इस पॉइंट पे वर्क करना है और इस पॉइंट पे मैं कर रही हूँ, तो वो चेंज हो जाता है. पहले माइंड में चेंज होता है, फिर बोल में चेंज हो जाता है. डिटेल में बताऊँगी आपको. परसेप्शन होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जो भी सोचते हैं, या फिर कोई भी हमारी किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचता है, पॉइंट ऑफ व्यू रखता है. परसेप्शन बनता कैसे है, मतलब किसी के बारे में कोई धारणा, हम कैसे सोचते हैं कोई भी कोई चीज़ कर रहा है, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे बताने के बारे में. तो इस जो हम धारणा बनाते हैं लोगों के बारे में, या लोग जो हमारे बारे में धारणा बनाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका रोल क्या है इस प्रोसेस के अंदर और कैसे इस चीज़ पे वर्क करना है. अगेन एक मैंने इसके थ्रू सीखा, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपको मज़ा आएगा करने में. जैसे कि मैंने बताया था, पूरी यू नो माइंड बॉडी सोल सबका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और बड़े फन तरीके से मज़ा आता है. जैसे कि मैंने बताया कि ओके मेरी वैल्यूज जो थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी विज़ावी जो ये प्रोसेस है. तो जैसे मैंने उनको सीखने के बाद ये पाया कि अगर मैं उसी एनवायरनमेंट को फॉलो करती हूँ तो ये चीज़ बनाने में प्रोसेस और लेंदी हो जाता है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ जब सीखते हो तो उसको आपको प्रैक्टिस करते हो तो ही आप उस चीज़ पर अपनी लाइफ में लेकर आते हो, या वो आपकी पक्की होती है. जस्ट लाइक यू नो कोई बच्चा है, उसने टेबल सीखा तो बार बार वो उसको रिपीट करता है तो उसको बिल्कुल याद हो जाता है, लेकिन वही चीज़ जब आउट ऑफ प्रैक्टिस की तो वो चीज़ हट जाती है. तो जो मैं पहले टीवी वगैरह देखती थी रिलेटेड टू यू नो इंडियन जो सीरियल्स हैं और जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ ख़राब है, बट वो मैं नहीं देखती हूँ अब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लाऊँ, बिकॉज मैंने रिजल्ट देखने हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं. और कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और उसकी सारी चीज़ें जो वो चाहता है पूरी हों, और आपको जब पता चल जाता है कैसे पूरी हों, तो आपको तो अगर वो चीज़ें सच में चाहिए और एफर्टलेसली चाहिए तो आप वो चीज़ फॉलो करोगे जिससे आपको बेनिफिट होता है.
और उसी के तहत मैं वो सब चीज़ें ना देख कर वो चीज़ें देखती हूँ जो कि मुझे अच्छा फील कराती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, और जो सेम यू नो वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में डालने में मुझे हेल्प करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो बेसिकली टीवी वीवी अब ज़्यादा नहीं देखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ इससे रिलेटेड, जिनसे मेरी प्रैक्टिस हो या जिनसे मुझे सोच और लर्न करने को मिले। तो ये चेंज है एक और। पहले जो था मेरे अकल के बारे में तो पता ही नहीं था कि होते भी हैं, ये भी नहीं पता था कि मेरा अकल मतलब जो जादू है होता भी है, ना ही यूनिवर्स का पता था ना ही अपना पता था। सुना था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लगा ही नहीं ऐसे कुछ हो सकता है, बट जब ये करना शुरू किया और अभी इसी में इतना मज़ा आ रहा है, तो एट द सेम टाइम पता चल गया कि यही सिर्फ एक शक्ति नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पहले इस पर रिप्ले कर फिर आगे आगे वो चीज़ें करेंगे। तो मैं तो इसी प्रोसेस में चल रही हूँ जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद की यू नो जादू शक्तियाँ और यूनिवर्स की जादू शक्तियाँ क्या उससे इम्पैक्ट होता है, कैसे फिर लाइफ में आते हैं, ये सब सीखने में मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो धीरे धीरे करके आगे उसी में स्टेप ऑन कर रही हूँ और जैसे जैसे सीखूँगी आपको भी सिखाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले इस बारे में नॉलेज नहीं थी, पहले सुना था कि यू नो कि एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, मतलब ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं, इनविजिबल भी और विजिबल भी। पर सिर्फ सुना था या टीवी में मूवीज में देख लिया, कभी सोचा नहीं कि ऐसे रियल में हो सकता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और है इस टाइम भी, तो इस दौरान ऐसे बहुत सारे फेसेस आए जहाँ की मुझे मतलब मैं फेसेस की भी बात नहीं करती, ये पूरी जर्नी में और अब तक भी मैंने रियल में उनको फील किया और उन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प की, जो स्पिरिट गाइड कह लो या आप टीचर कह सकते हो या यू नो एंजल्स कह सकते हो। तो पूरी मेरी जर्नी में जितनी भी मैंने जिया मैंने उनको रियल में विटनेस किया, जहाँ पे मैं उनके साथ बात कर सकती थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि यू नो ऐसे लगा एक ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है जो कि मेरी हेल्प कर रही है और पूरी गाइडेंस मिल रही है। तो ऐसे टाइम पीरियड में जब ऐसा लग सकता था कि मैं अकेले चल रही हूँ, बट पता था कि मैं अकेले नहीं हूँ, कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं और वो साथ में हैं मुझे गाइड करने के लिए, मुझे पूरी पूरी गाइडेंस मिली और मैंने उसको रियलिटी में लिया, इंटरेक्शन किया। तो ये मेरा पहली बार था जिसने कि मैंने रियल टाइम मिरेकल देखा अपनी लाइफ का कि ऐसे सच में हो रहा है कि ओके देयर इज नथिंग इन द एयर, हवा भी नहीं है, बट आई नो दे आर देयर और मैं उससे इंटरेक्ट कर रही हूँ और मुझे हेल्प मिल रही है और पूरी पूरी मिल रही है और ये कोई वहम नहीं है, सच है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा वाला मिरेकल था जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डरी भी नहीं और मुझे पता चला कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है
जस्ट लाइक एक बहुत वार्म टच की ओके भगवान हमेशा मेरे साथ है, जो कि यू नो मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे उन्हें वही नज़र आते हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी इतनी केयर करते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड मैं तहे दिल से उनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर, स्पिरिट गाइड, एंजल, जो भी फॉर्म आप मानना चाहो मुझे वो मिले हैं कि यू नो जिसमें डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, पर पता है कि यू नो दे आर देयर और वो हर पल मेरी ख्याल रखते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो लगता है कि बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब वो फीलिंग नहीं बता सकती मैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाला जादू था मेरे लिए रियल लाइफ का, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है, बट अब मुझे पता है कि ऐसा है क्योंकि मैंने रियल में फेस किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं तहे दिल से भगवान से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देखने को मिले। और मैं तहे दिल से अपने टीचर, अपने स्पिरिट गाइड, अपने एंजल को बहुत प्यार से शुक्रिया करती हूँ। बहुत प्यार है मैं उनके लिए, अब पूरी उम्र रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। मतलब मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरी इतनी केयर करते हैं। तो ये एक और यू नो एक चेंज है जो कि मेरी लाइफ में मुझे अब देखने को मिला, जो कि मुझे पहले पता भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता। इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं उनकी सारी गाइडेंस की मुझे जो हेल्प हो रही है वो उनकी तरफ से मुझे मिल रही है। और इसलिए मुझे लगा कि यू नो कहीं ना कहीं भगवान भी ऐसा चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है, इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ वो चीज़ नहीं मिलती जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में मनचाही चीज़ पाना, बल्कि आपको आपका आपकी आत्मा का रास्ता पता चल जाता है कि ओके क्या है मेरा पर्पस, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर। जैसे हम पहले एमलेसली घूम रहे होते हैं, तो अगर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमें पता चलता है कि ओके क्या है मेरा पर्पस। और जब आप उसको फॉलो करने लगते हो तो कैसे आपको गाइडेंस मिलती है भगवान से, स्पिरिट्स गाइड से, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो। तो कैसे मतलब नो हर चीज़ आपको आपके सामने अपने आप आती चली जाती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता, क्लू भी नहीं होता। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस लगा मुझे मेरे केस में। बट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे केस में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये लर्न करने का प्रोसेस दोनों मिक्स हैं, तो शायद इसलिए भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट बात ये है कि मैं आपको सिर्फ यही नहीं सिखाऊंगी कि अपनी मनपसंद चीज़ों को आपको कैसे अपनी लाइफ में लाना है, मैं आपको सोल पर्पस के बारे में बताऊंगी कि अपनी आत्मा का पर्पस आप कैसे ढूंढ सकते हो और क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जब भी आएगा आगे की जर्नी में, जब भी ऐसा पॉसिबल होगा। इसी सब के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि डिफरेंट तरीके की मेडिटेशन, हिप्नोसिस, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, एफर्मेशंस का क्या रोल है, सबलिमिनल क्या होते हैं, क्या है, सब कुछ एक्सप्लोर किया प्रैक्टिकली जानने के लिए कि कैसा लगता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लगती है और मज़ा आने लग जाता है, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है बहुत। वो चीज़ें तो मिली नहीं है जो आप चाह रहे हो और लाइफ और भी सॉर्टेड और ब्यूटीफुल होती जा रही है। जहाँ पहले कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी वहाँ क्लियर होती जाती है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आने लग जाती है। पहले मुझे ये भी नहीं पता था हीलिंग होती क्या है, अब मुझे समझ में आता है कि क्या है हीलिंग, कैसे होती है और क्या रोल है इसका। आगे मैं ये कहूँगी बहुत क्रूशियल रोल है, जैसे मैं पार्टी के केस में कह रही हूँ, लेकिन सच में मतलब हीलिंग तो एक की एरिया है जो कि होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हीलिंग का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि क्या हील करने वाला है और कैसे करना है, मैं सीख रही हूँ और आपको भी सिखाऊंगी।
अपने आप पूरा सीख लूंगी और जब उसकी बारी आ जाएगी। अब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, जैसे टीवी तो मैंने आपको बताया कि मैंने देखना बंद ही कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं छोटे होते करती थी, मैं सब कुछ चीज़ें करती हूँ जो मुझे हैप्पी करती हैं, जिससे मुझे मज़ा आता है। लाइक लोग कहते हैं ना कि यार छोटे होते के क्या दिन थे, हम ये करते थे वो करते थे, बट मेरे केस में क्या, मैं सब करती हूँ। राधा मैं तो अब एक लिस्ट बनाने लगी हूँ कि मुझे क्या क्या सीखना है, मुझे क्या क्या करना है, और मैं सब वो वन बाई वन करके करूँगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या एज है क्या नहीं है। आई बिलीव इन लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ सीखना, हर चीज़ को करना क्रिएटिव वे में। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि यू नो आपकी बॉडी बड़ी होती है लेकिन आपका दिल तो हमेशा बच्चों जैसे ही रहता है, तो हाउ डज इट मैटर कि मुझे क्या अच्छा लगता है। वो ऐसा थोड़ी ना कि हम छोटे होते ही कर सकते हैं, बड़े होते ही करना है ना। मेरे लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस मामले में पहले भी ऐसी थी अभी भी ऐसी हूँ। पर यही फ़र्क है कि मैंने बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ थी जो कि छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ माई वर्क। वर्क मेरा बहुत ही बिजी वाले डेज होते थे, बट अब मैं ऐसी चीज़ें लेने लग रही हूँ अपनी लाइफ में जिससे कि मैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करूँ जो कि मैं इन्जॉय करती हूँ एज ए हॉबी, और जिससे मुझे मज़ा आता है, जिससे मैं अलाइनमेंट में आती हूँ, बैलेंस में मुझे मज़ा आता है बेसिकली। तो जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, कोई भी जो भी आती हैं मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपको शेयर करूँगी आगे आगे क्या क्या है। क्रिएशन में मुझे बहुत मज़ा आता है, वो सब चीज़ें मैंने